अगले वर्षों के दौरान तेमुजिन और तोग्रुल ने मरकेट्स, नाइमेंस और टॉर्टस के खिलाफ अभियान चलाया, कभी अलग अलग और कभी एक साथ। लगभग 1201 में ओंग गिराट, टैच्यूड और टॉर्टस सहित असंतुष्ट जनजातियों के एक समूह ने बोर्चिगिन केरेट गठबंधन के वर्चस्व को तोड़ने की शपथ ली और जमुखा को अपना नेता और गुरखान, शाब्दिक रूप से जनजातियों का खान चुना। कुछ शुरुआती सफलताओं के बाद तेमुजिन और तोग्रुल ने येदी कुनान में इस ढीले संघ को हरा दिया और जमुखा को तोग्रुल से क्षमादान की भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। 6-3 पूर्वी मंगोलिया में पूर्ण वर्चस्व की इच्छा रखते हुए तेमुजिन ने पहले टैच्यूड को और फिर 1202 में टॉर्टस को हराया। इनमें सोरकन शिरा शामिल थे जो पहले उनकी सहायता के लिए आए थे, और जेबे नामक एक युवा योद्धा जिसने तेमुजिन के घोड़े को मारकर और उस तथ्य को छिपाने से इनकार करके मार्शल क्षमता और व्यक्तिगत साहस का प्रदर्शन किया था। टॉर्टस के अवशोषण ने स्टेपी में 3 सैन्य शक्तियां छोड़ दी, पश्चिम में नाइमन, पूर्व में मंगोल और बीच में केरेट। 6-5 अपनी स्थिति को मजबूत करने की मांग करते हुए तेमुजिन ने प्रस्ताव दिया कि उसका बेटा जोची तोग्रुल की बेटियों में से एक से शादी करे। तोग्रुल के बेटे सेंगगुम के नेतृत्व में केरेट अभिजात वर्ग का मानना था कि यह प्रस्ताव उनके जनजाति पर नियंत्रण पाने का एक प्रयास था, जबकि जोची के माता पिता के बारे में संदेह ने उन्हें और अधिक नाराज कर दिया होगा। इसके अलावा जमुखा ने आम लोगों को उच्च पदों पर पदोन्नत करने की अपनी आदत से पारंपरिक स्टेपी अभिजात वर्ग के लिए तेमुजिन द्वारा उत्पन्न खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसने सामाजिक मानदंडों को उलट दिया। अंततः इन मानकों के आगे झुकते हुए तोग्रुल तेमुजिन अपनी कुछ सेनाओं को इकट्ठा करने में सक्षम था, लेकिन कलाकंजित सेम्स की लड़ाई में बुरी तरह पराजित हुआ। दक्षिण पूर्व में बलजुना, एक अज्ञात झील या नदी की ओर पीछे हटते हुए तेमुजिन ने अपनी बिखरी हुई सेनाओं के फिर से एकत्र होने की प्रतीक्षा की। बो ओरचू ने अपना घोड़ा खो दिया था और उसे पैदल भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि तेमुजिन के बुरी तरह से घायल बेटे ओगेदेई को एक प्रमुख योद्धा बोरोखुला द्वारा ले जाया गया और उसकी देखभाल की गयी। तेमुजिन ने हर संभव सहयोगी को बुलाया और अपने वफादार अनुयायियों के प्रति वफादारी की एक प्रसिद्ध शपथ ली, जिसे बाद में बलजुना वाचा के रूप में जाना गया, जिसने बाद में उन्हें बहुत प्रतिष्ठा प्रदान की। 6-8 बलजुना की शपथ लेने वाले एक बहुत ही विषम समूह थे। 9 अलग अलग जनजातियों के पुरुष, जिनमें ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध शामिल थे, जो केवल तेमुजिन और एक दूसरे के प्रति वफादारी से एकजुट थे। 69 बलजुना वाचा को गुप्त इतिहास से हटा दिया गया था, क्योंकि यह समूह मुख्य रूप से गैर मंगोल था। लेखक संभवतः अन्य जनजातियों की भूमिका को कम करना चाहता था। कासार से जुड़े एक युद्ध छल ने मंगोलों को जेजेर हाइट्स में केरी पर घात लगाने की इजाजत दी, लेकिन हालांकि आगामी लड़ाई 3 दिनों तक चली, ये तेमुजिन की निर्णायक जीत में समाप्त हुई। तोग्रुल और सेंगगम दोनों को भागने के लिए मजबूर किया गया, और जब सेंगगम तिब्बत भाग गया तो तोग्रुल को एक नायमन ने मार डाला जो उसे नहीं पहचानता था। तेमुजिन ने केरेट अभिजात वर्ग को अपने जनजाति में शामिल करके अपनी जीत को सील कर दिया। उसने राजकुमारी इबका को एक पत्नी के रूप में लिया और उसकी बहन सोर घतानी और भतीजी डोकस की शादी अपने सबसे छोटे बेटे तोलुई से कर दी। साथ एक मंगोलों द्वारा पराजित जमुखा और अन्य के आगमन के कारण नायमनों की रैंक बढ़ गई थी और उन्होंने युद्ध की तैयारी की। मई 1204 में अल्ताई पर्वतों में चकिर मौत की लड़ाई में नायमन्स को निर्णायक रूप से पराजित किया गया, उनके नेता तायन खान की हत्या कर दी गई और उनके बेटे कुचलिप को पश्चिम की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 72 उस वर्ष बाद में मरकिट्स को खत्म कर दिया गया, जबकि जमुखा, जिसने चकिर मौत में नायमन्स को छोड़ दिया था, को उसके साथियों द्वारा तेमुजिन को धोखा दिया गया, जिन्हें उनकी वफादारी की कमी के कारण मार दिया गया। सीक्रेट हिस्ट्री के अनुसार जमुखा ने अपने बचपन के आंदा को उसे सम्मान पूर्वक मारने के लिए राजी किया। अन्य खातों में कहा गया है कि उसे अंग भंग करके मार दिया गया था।